इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता बाबर आलम से मिले हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का दूसरा मैच होने वाला है, यानी कि 10th of September को। जी हाँ, बहुत बड़ा मुकाबला है। तो प्रैक्टिस सेशन के दौरान मिले हैं, विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है? सो लेट्स स्टार्ट। ये मीटिंग हुई है भाई विक्रांत गुप्ता की बाबर आजम से। वाओ, पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस चल रही है। हिंदुस्तान की टीम आएगी 2 बजे, इंडियन टीम 2 बजे प्रैक्टिस करेगी। अभी 12 बजे हैं, तो पाकिस्तान की टीम सुबह से प्रैक्टिस कर रही है। एक चीज जो मैंने देखी है वो ये देखा है पाकिस्तान में, निखिल समहाउ आप उनको प्रैक्टिस करते देख रहे हो तो ये लग रहा है कि दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स। शायद वो सक्सेस जो है, जो आप को हालिया सक्सेस मिली है, यंग टीम है। जैसे मैं तेज़ गेंदबाजों को दे रहा था, हारिस राउफ और उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी दोनों इकट्ठे गेंद डाल रहे थे, नसीम शाह भी। तो हारिस राउफ गए हैं, उन्होंने शाहीन को कहा कि डंडे दे मार दो। खैर उस बॉल तो डंडे पर नहीं लगी, अगली बॉल डंडे पर लग गई। तो मैं देख रहा था कि वहाँ से हारिस वॉज वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक बाबर ने ये चीज़ कही भी है, उन्होंने एम्फसाइज भी किया है कि जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास इस वक्त दुनिया के शायद सबसे अच्छा पेस अटैक है। और उन्होंने कहा कि हमारी ताकत ये है कि जो हमारे पेसर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं, दे आर बैकिंग ईच अदर। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है। आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो बाबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे मैंने बताया, हाईलाइट यही थी। उन्होंने कहा देखिए जी, जो हम लोग लगातार खेल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इसका नुकसान भी होता है, बट हमने ये तय कर लिया है कि हाउ टू कीप द बॉयज फ्रेश। और उन्होंने कहा कि इतनी क्रिकेट खेलने का फ़ायदा ज़्यादा होगा, इनफैक्ट सो मच सो। उन्होंने कहा जी 2.5 महीने से हम लोग यहाँ पे हैं, हम पहले टेस्ट सीरीज खेले, फिर लंका प्रीमियर लीग खेली, फिर उसके बाद अफगानिस्तान के मैचेस खेले। सो ये तो फैक्ट है कि इन कंडीशंस में आई थिंक पाकिस्तान हैव द बेस्ट प्रिपरेशन। ये आपके वीडियो का टाइटल भी है, तो वीडियो का टाइटल भी यही है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले बाबर ने कहा है भाई हम श्रीलंका में जो खेलें इसका हमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ की कंडीशन से हम काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं। और एक चीज़ और है, यही वो मैदान है जहाँ फाइनल हुआ था इमर्जिंग एशिया कप का, जिसमें मैच किसके बीच हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच ही मैच हुआ, पाकिस्तान जीता था, हाई स्कोरिंग मैच था, वो मैच पाकिस्तान ने जीता है। लेकिन आपने देखा होगा यार, रन्स भी बहुत बनते हैं, लेकिन स्पिन फ्रेंडली भी कंडीशन होती है। बाय द वे पाकिस्तान की तो तेज गेंदबाज भी नसीम शाह, हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी, मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% दम से, आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप करके, मे बी 70-80% ऑपरेटिव जिसे कहते हैं, वो होता भी है। आप अपना सिर्फ रिदम देखते हैं, भाग ठीक रहे हो, बॉल हाथ से गिर रहा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यू गेट बेटर। नहीं होता है तो पाकिस्तान क्या इंडिया के अगेंस्ट 4 तेज गेंदबाज एक स्पिनर खिलाएगा या नहीं? 2 स्पिनर और यहाँ पे तो आपको 2 स्पिनर खिलाने होंगे। हो सकता था पलेकले में वो करते जब, लेकिन पलेकले में उन्होंने वो नहीं किया। बट आई थिंक पाकिस्तान को इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप 2 स्पिनर खिलाते हो। इन द सेंस आई नो बॉलिंग उनकी थोड़ी वीक होती है, बट जो बैटिंग जो दोनों स्पिनर्स देते हैं ना, नवाज और शादाब, वो बैटिंग मतलब उनको परेशानी नहीं है, वो बैलेंस नहीं ढूंढना। इंडिया के अगेंस्ट भी और उसके बाद अगले मैच में बांग्लादेश, उन्होंने ऊपर से दोनों टीमों के 4 आउट किए, लेकिन बीच में उन्होंने टीमों को रिकवर होने का मौका भी दिया। तो बीच के ओवरों में बाबर ने भी माना कि हमें विकेटें नहीं मिल रही हैं। पर आपको लगता है फहीम अशरफ या कोई आते हैं वो उस उतना पैनापन है उनकी गेंदबाजी में कि परेशान मोहम्मद वसीम जूनियर एक फास्ट बॉलर, अब इस विकेट पर शायद नहीं, इस विकेट पर शायद आप सही कह रहे हैं कि, बट इनकी ताकत क्या है, इनके पास इफ्तिकार आके बॉल डाल देते हैं, सलमान आगा आके बॉल डाल देते हैं, तो इनके पास उस तरह की ऑप्शन है जो शायद किसी जमाने में भारत के पास होती थी। रायना से बॉल डलवा दिया, युवराज से बॉल डलवा दिया, सहवाग से डलवा दिया, सचिन से डलवा दिया, इनके पास अब ये मौका है। तो ये तो पाकिस्तान टीम की बात हुई है, जैसे विक्रांत ने कहा है भारतीय टीम भी यहाँ आएगी प्रैक्टिस करने आज, लेकिन इंडियन टीम का ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है। आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि कल फुल प्रैक्टिस सेशन था और पाकिस्तान ने कल प्रैक्टिस नहीं किया, उन्होंने क्योंकि ट्रैवल किया, तो उनके लिए भी काफ़ी टायरिंग है। हालांकि बाबर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब उनसे पूछा गया भाई आप ट्रैवल कर रहे हो, पहले पाकिस्तान में खेला, श्रीलंका आए, फिर पाकिस्तान गए, फिर श्रीलंका आए, तो आपने कहा भाई अगर आप इतना ट्रैवल कर रहे हो थक गए, उन्होंने कहा नहीं जी इससे बिल्कुल हमें थकान नहीं हुई, ट्रैवल को हमने टेक केयर किया है, हमने तैयार ऐसे किया। निखिल ने बोला इसको, मैं नहीं चाहता कि लोग ये भी सही है भाई इसको मिसकंस्ट्रू करें, मैं पाकिस्तान की टीम कल ट्रैवल करके आई, वो आज स्किप भी कर सकते थे, परसों ट्रैवल करके आए, वो आज स्किप भी कर सकते थे, कल उन्होंने स्किप किया।
कल आराम क्योंकि वो थक गए होंगे, आज ऑप्शनल भी रख सकते थे, बट आज उनकी पूरी टीम आई है। मैं देख रहा हूँ इस वक्त एज वी स्पीक इमाम बैटिंग कर रहे हैं एक नेट में, एक वो इमाम ही है, और फखर एक नेट में बैटिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस बाबर ने बैटिंग की है, बाबर मतलब एंड बाबर के यार देखो बल्ले से जब बॉल लगा है ना तो आवाज़ आती है, आपको पता है कि यार ये बल्ला और ये बल्लेबाज खास है। कोई बॉल स्ट्रगल नहीं किया, मैं देख रहा एक विकेटें भी प्रैक्टिस विकेट्स भी अच्छी होती हैं, उन्होंने डिफेंस किया, एक आई थिंक शादाब बॉल कर रहे थे, उन्होंने सब रखा है और वो गेंद गोली की तरह उड़ता गया है, गेंद बैट के बीचों बीच लगा है। देखो जो भी है, अब रिजवान ने कल एक बात बोली थी, उन्होंने पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा जी 266 इंडिया हार जानी थी, पाकिस्तान जीत जाना था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा 266 में इंडिया का पूरा चांस था। उन्होंने कहा उनका वर्ड उन्होंने जो यूज़ किया, बोला उन्होंने चैलेंजिंग टोटल था वो उन कंडीशन में, उन्होंने कहा ज़्यादातर लोग देखेंगे 266 वनडे क्रिकेट में कम लग सर आता है, लेकिन उस मैदान पर वो 266 चैलेंजिंग था। फिर उन्होंने इंडियन बॉलिंग के बारे में बात की, उन्होंने कहा उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो भी अब अच्छी है, वो पुराने वाले दिन नहीं रहे कि भाई इंडियन फास्ट बॉलिंग इतना पैनापन नहीं होता था, स्पिन गेंदबाज ज़्यादातर विकेट निकाले थे। रिजवान ने माना कि नहीं इंडियन फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, और कल मैं आपको बताऊँ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जो गेंद डाल रहे थे और शानदार, मतलब मुझे आई डोंट नो कि टीम मैनेजमेंट किसके साथ जाती है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर इंडियन टीम शमी के साथ जाए नेक्स्ट मैच में, हो सकता है सिराज ना खेले। शमी, बुमराह, शार्दुल नहीं, अक्षर हो सकता है, अक्षर पटेल खेले तो आप यहाँ खिला सकते हो आप। इंडिया तीन स्पिनर जा सकता है, जडेजा, अक्षर और कुलदीप, और दो फास्ट बॉलर आप कह रहे हैं बुमराह और मोहम्मद शमी स्लैश सिराज, हो सकता है सिराज के लिए भी जाए, ऐसे मुझे गट फीलिंग हो रही थी कि शमी स्पिन का थोड़ा वो रहेगा कल, मतलब केएल राहुल आ गए हैं, आपने उनको दो दिन प्रैक्टिस करते भी देखा, मैंने तो अभी नहीं देखा, का भी रोल है, क्या वो सीधा मैच रेडी हैं, नंबर वन क्या इंडिया उनको सीधा ये मैच कल डाल देगा, और दूसरी बात अगर डालेगा तो अय्यर और ईशान किशन का क्या होगा। नहीं उनकी जहाँ तक बैटिंग का सवाल है कोई परेशानी नहीं है, बैटिंग तो एनसीए में भी काफ़ी करते आए हैं और मैंने उनको इंडो नेट्स में भी देखा, उन्होंने बहुत लंबी देर तक बैटिंग करी, उसमें कोई परेशानी नहीं, कल भी उन्होंने बैटिंग करनी थी बट बारिश आ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार विक्रांत गुप्ता जब मिले बाबर आजम से और उसके बाद ये जो बातें कर रहे हैं तो कहीं ऐसा लग रहा है कि एक फ़ैन मूवमेंट वाला सीन बन रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि विक्रांत गुप्ता एक फ़ैन टाइप के हो गए पाकिस्तान टीम के, कभी हारिस रऊफ को ढूंढ रहे हैं, कभी दूसरे इंसान को ढूंढ रहे हैं, कभी बाबर की लिए बोल रहे हैं, और ये सही बोल रहे हैं भाई, यार इन्होंने बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोल दी पाकिस्तान के बारे में, बोल रहे हैं यार पाकिस्तान की टीम घमंड नहीं कर रही है कि यार 266 के ऊपर, रिजवान ने बोला कि यार वो चैलेंजिंग था और इंडिया गेम में थी उस टाइम, बाहर हंगामा मचा हुआ था कि ये इंडिया जीत रहा था, बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया, पाकिस्तान की तरफ से या फिर बहुत सारी बातें हो रही थी, इंडियन भी बोल रहे थे कि विक्रांत गुप्ता ने भी बोला था इवन कि इंडिया हार रहा था, बारिश ने बचा लिया भाई, तो जबकि खिलाड़ी ये नहीं सोच रहे थे, वो पूरा गेम लेकर चल रहे थे, और ये स्पिरिट होनी चाहिए भाई एक स्पोर्ट्समैन में कि अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, चाहे 10 रन बचे हों, चाहे 5 रन बचे हों, आपने सामने वाले को चाहे 100 रन पर गिरा लिया हो, चैलेंजिंग है, आप भी गिर सकते हो, सामने वाला गिर सकता है, तो ये स्प्रिट मुझे अच्छी लगती है खिलाड़ी। बाबर आजम से पता नहीं क्या बोला होगा उन्होंने, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिलहाल मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को, बाय।